हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व करूंगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया है, आज सब क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल कार्य है। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सिद्ध करना है 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। आपको प्रीवियस वीडियो में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताया गया था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएँ बताई गई थी, जिसमें 3 सर्वसमिकाएँ हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक महत्वपूर्ण रिलेशन यह भी बताया गया था, टेन थीटा को साइन कास के पदों में लिखना हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा, काट थीटा को हम लिखते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा। यदि इतना आपको लर्न है तो आप कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड या 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा होल स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, कोसेक थीटा को जो व्युत्क्रम संबंध बताया गया था, कोसेक थीटा को बताया क्या गया था, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। तो इसको इसके स्थान पर आप लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो इसको आप लिख देंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर। अब जो है इसको आप लिखेंगे, देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, तो अंश को जोड़ देते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा, इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या क्या रूपांतरण हुआ, पहले याद रखिए, पहला यह बताया गया है कि कोसेक थीटा को हमने चेंज किया है 1 अपान साइन थीटा में, दूसरा चेंज हुआ है कॉस थीटा को हमने चेंज किया है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, अब जो है तीसरा चेंज होने वाला है, आप सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा को का उधर कास स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करेंगे तो आप जानते हैं धन क्या होता है, ऋण हो जाता है, यदि ऋण रहेगा तो धन हो जाएगा जब पक्षांतर करेंगे, तो अब चेंज करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर अपान, लिखेंगे एक को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कास थीटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ एक सूत्र लगेगा, यहाँ पर एक सूत्र आएगा जो वर्गांतर वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए माइनस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी एक कोष्टक में, यह वर्गांतर सूत्र जानते हैं, वर्ग और अंतर।
तो अब इसी का फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी तो वन माइनस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा से वन माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा। यही जो है आपको राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड यही सिद्ध करना था, प्रूफ क्या हो गया, सिद्ध हो गया, राइट हैंड साइड वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा। आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।